शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पता नहीं हमसे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। हमें समझ ही नहीं आया कि गलती तो हमसे भी हुई। हम भी तो आपको समझकर चोटी के साथ नाच ली। एक तो वो अंधेरा था और ऊपर से मुखौटा, सब गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलिए अब आप भी अपना मन हल्का कीजिए भाई। आज आपका जन्मदिन है, आज तो आपका चेहरा पूनम के चांद की तरह खिला हुआ होना चाहिए। जानते हैं, हमारा ये बर्थडे हमारे लिए सबसे ज्यादा खास है। होना भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार तो हम दोनों एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए थे। सच में वैसे हमारे पति देव बड़े छुपे रुस्तम निकले। हमें नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हैं। एक के बाद एक सरप्राइज पे सरप्राइज। और ये साड़ी बहुत प्यारी है, ये साड़ी अपनी जान से भी ज्यादा सहेज के रखेंगे इसे। आखिरकार हमारे पति जी की पसंद जो है। साड़ी? लेकिन हमने तो कोई साड़ी नहीं दी। साड़ी नहीं थी मतलब? तो किसने थी? चाबी हो सकता है माँ या अम्मा ने दी हो। नहीं शिवांश, माँ और अम्मा ने तो हमें चाबियां दी है। एक मिनट, और शिवान जी ये लेटर, ये टॉफीज। एक मिनट, ये देखिए, ये कमल का फूल। ये सब अम्मा क्यों लाएंगी हमारे लिए? और उनको कैसे पता कि ये सब चीज हमारी पसंदीदा चीजें हैं? श्रावणी, हमें तो लगता है इन सब के बीच आपकी ताई जी कहाँ थे? उनकी कोई याददाश्त नहीं कही है। अभी पूछते हैं उनसे कि ये सब करने के लिए यहाँ पे टिकी हुई है। आते हम पूछ के। शिवांश रुकिए, हो सकता है आप जो कह रहे वो सही हो, पर ये भी तो सोचिए, आपका अंदाजा गलत भी तो हो सकता है ना। और शिवांश सोचिए, अम्मा के हाथों उन्हें गोली लगी अभी, गलती से ही सही, पर हमने देखा ना उन्हें कितनी बड़ी चोट आई, कितनी बुरी तरीके से वो गिरी थी। अब ऐसे में उन्हें ये सब सोचने का मौका कब मिला होगा? शिवांश देखिए, हमसे इतना कह रहे कि कुछ भी करने से पहले या कहने से पहले हमें एक बार तसल्ली कर लेनी चाहिए। कोई बात बन नहीं रही है। ये सब आपकी पसंद की चीजें हैं ना? हाँ, ये सब कुछ हमारी बचपन की पसंदीदा चीज है। आखिर ये सब कुछ किसे पता होंगे?
बचपन की चीजें उसी को पता होंगी जो आपको बचपन से जानता होगा रोहन। रोहन आपके बचपन का दोस्त है ना? हाँ शिवांश, मगर रोहन हमारे कमरे में कैसे घुसेगा और वो ये सब क्यों करेगा? वो बहुत शरीफ लड़का है। हमें नहीं लगता रोहन ने ये सब कुछ किया है। शिवांश आप परेशान मत होइए। पहले पता तो चले कि ये साड़ी भिजवाई किसने। क्या पता हमारी माँ ने भिजवाई हो। शिवांश की तसल्ली के लिए तो हमने कह दिया, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा। पता लगाना ही होगा कि आखिर ये चिट्ठियां और ये साड़ी दी किसने है। जल्दी लगा स्वीटी, हम सोच रहे थे ये शिवांश को जो रोहन से जलाने वाला मामला चल रहा है ना, बहुत धीमा चल रहा है। मतलब हम इंतजार नहीं कर सकते कब ये दोनों अलग होंगे। उसके लिए ना कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा। आप ना मजा खराब मत करो, सबको शक हो जाएगा। जैसा चल रहा है ना बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलने दो। मम्मी पता है शिवांश ने ना हमको गले लगाया है। हमारे मन में तो अभी तक लट्टू फूट रहे हैं। हम क्या बताएं मम्मी। तुमको शर्म नहीं आती माँ से कहते हुए गले लगाया है? सर दबा ठीक से, लड्डू फूट रहा तमाम सर फोड़ेंगे, समझी? बेबी जी, अरे बेबी जी, आराम से देखिए कितना जुकाम हो गया आपको। वो हवा बहुत तेज चल रही थी ना, तो बाइक पे हमारे दांत कांप रहे थे। अभी तो कह रहे हैं आपसे, अब ध्यान रखिए अपना। अच्छा हम क्लास के लिए जाते वरना देरी हो जाएगी। जी ध्यान से। आपका जुकाम तो बढ़ रहा है, हम ना आपके लिए शाम को काढ़ा बना देंगे और फिर देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है। अरे हम कह रहे हैं ना आपसे, और तब तक इसको ना ऐसे रखिएगा, ठीक है? चलिए हम आपको क्लास तक छोड़ देते हैं। अरे हम चले जाएंगे। चलिए ना। बोलो। रोहन जानते हो दीदी को ना जुकाम हो गया है। और रोहन तुम तो बचपन से ही दीदी को जानते हो। दीदी को जब जुकाम हो जाता है तो उसकी तबीयत कितनी खराब हो जाती है। हाँ। रोहन हमें ही कुछ करना होगा। समझ गए ना? मैं देखता हूँ।
अरे जुखामो, कैसी हैं आप? पूछो मत, नाक पूछते पूछते हमारे तो पूरी नाक ही छिल गई है। भाई नाक तो लाल हो गई आपकी। चलिए घर जाके इसका अच्छे से इलाज करते हैं, ठीक है? और तब तक आप ऐसी बबूनी बन के रहिए। चलिए। शिवांश, क्या हुआ? बाइक चालू क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं, सुबह तक तो ठीक थी। देखिए जरा क्या हो गया। श्रावणी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, वो पता नहीं बाइक चालू ही नहीं हो रही है। बाइक खराब हो गई? हाँ, पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही। लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। हाँ शिवांश, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो श्रावणी को मैं गाड़ी से घर छोड़ दूं? अरे नहीं रोहन, हम शिवांश के साथ आ जाएंगे, अभी ठीक हो जाएगी बाइक। वो वैसे लड़कियों में से नहीं है जो रिश्ता तोड़ती है। वो बेचारी तो इस धोपे हुए रिश्ते को मरते दम तक निभा लेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। श्रावणी बाहर ठंडी हवा चल रही है, ज्यादा बीमार हो जाओगी। देखो तुम ही समझाओ अपनी धर्मपत्नी को। अरे हम छोड़ देते ना गाड़ी से। श्रावणी, आपकी तबीयत खराब हो रही है। रोहन ठीक कह रहा है, आप इसके साथ कार में जाइए, हम फटाफट बाइक ठीक करवा के आते हैं। शिवांश, अभी ठीक हो जाएगी ना बाइक, हम आपके साथ ही आएंगे। देखिए आपकी तबीयत खराब हो रही है, ज्यादा हो जाएगी, आप घर पहुंचिए, हम आते हैं। शिवांश लेकिन। श्रावणी हम कह रहे हैं ना, अब चलो भी। ध्यान से जल्दी आइएगा जी। चिंता मत करना, और कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। हमें लगता है उस तार से जोड़ना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? हमसे तो पढ़ाई लिखाई ना हो पाए। इस कॉलेज में लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली थी तो सोचा हम भी अप्लाई कर दे। और जाते टाइम आपको देखा बाइक ठीक कर रहे हो तो हम रुक गए, पर दीदी कहीं नहीं दिख रही है। वो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए हमने रोहन के साथ उसकी कार में उन्हें घर भेज दिया। रोहन के साथ? हाँ, हमने इज्जत करके भेजा, उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। ये बात तो है, दीदी तो वैसे आपकी सारी बात मानती है। क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं, दीदी को ना जाड़ा बहुत लगता है, जाड़ा का नाम सुनते ही छींकने लग जाती है। ऐसे जाड़ा तो अब और भी बढ़ेगा। पर ये बात भी है, अब दीदी अपनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर अपनों का भी तो कुछ फर्ज होता है ना। जाने लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। नहीं हम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं।
रोहन, हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ लेना है। क्या? दवा। दवा? किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? हालत देखिए अपनी। अरे ये दो चार ठीक से हमारा कुछ भी नहीं होगा, और हम वैसे भी दवा ववा नहीं लेते हैं। हम घर जाके गरम काढ़ा पियेंगे। श्रवणी, मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद तुम ये सब कह रही हो? अरे काढ़े से इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता है। रुको, यही मेडिकल की दुकान है, अभी दवा ले लेते हैं। बस तुम यहीं बैठो, हम एक मिनट बैठते हैं। चलिए हम चलते हैं। जीजा जी, हमको भी घर ही जाना है, हमको भी छोड़ दीजिए ना। वो जाते हुए रास्ते से मम्मी के लिए दवाई भी ले लेंगे। ठीक है, बैठो। अब देखना तुम्हारा जुकाम कैसे सही हो जाता है। मैसेज श्रवणी, याद आया हमारा पुराना अड्डा? हाँ यार, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं, बहुत भूख लग रही है। चलें, एक एक सूप पी लें। अब रोहन तुम पी लो जाके। अरे हम अकेले ही पियेंगे क्या? याद है बचपन में जब भी सर्दी होती थी हम यहाँ आते थे, ये भैया सर्दियों में ये सूप बेचते हैं और गर्मी में लस्सी। एग्जैक्टली देखो कैसे याद है तुम्हें सब कुछ। चलो ना, गरम गरम सूप पियोगी तो तुम्हें भी फायदा ही पहुंचेगा, तुम्हारा कोल्ड यूं गायब हो जाएगा। रोहन सच में हमारा मन नहीं है, तुम पी लो ना जाके। छोड़ो, अब तुम्हारा मन नहीं है तो हम भी नहीं पी। अरे रोहन, लेकिन तुम्हें भूख लगी है ना? नहीं कोई बात, चलते। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे क्योंकि घर पे सब हमारी राह देख रहे होंगे ना। ये भी ना बात, चलो। ये तो रोहन की कार है, रोहन यहां क्यों रुका है? यहाँ क्यों रुक गए? अरे क्या बताएं, रोहन को इतना मना कर रहे थे पर फिर भी वो जुकाम की दवा लेने के लिए रुक गया। अब जब रुका था तो उसे भूख लग गई, तो फिर ये सूप पीने के लिए आ गए। तो आप कार में बैठ के पी लेते हैं, ऐसे बाहर खड़े होके पी रहे हो, आपको ठंड लग जाएगी। हम भी दवा लेने आए थे आपके लिए जुकाम की, अब तो रोहन ने ले ली तो हम रहने देते। जीजा जी, अब जब यहाँ पे आ ही गए तो हम भी सूप पी लेते हैं। हमारा मन नहीं है। पता है जीजा जी, हम जब एक साथ पढ़ते थे ना तब यहीं पे आते थे सूप पीने के लिए, बढ़िया बनाते हैं।
पी लीजिए ना शिवांश, पी के तो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, पी लीजिए ना। हम आपको अपनी पसंद का सूप पिलाते हैं। मजा आ गया ना सूप पी के? बिल्कुल पुराने दिनों की याद आ गई। अच्छा हुआ जो हमने सूप पी लिया, मैं तो नाक एकदम खुल गई है। और फिर फ्रेंड्स की बेस्ट विशेस भी तो हैं। देखना कल तक ठीक हो जाओगे। भैया कितने रुपए? 300 रुपए। अरे रुकिए हम देते हैं। अरे शिवांश एक ही बात है। अरे रुकिए रुकिए हम देते हैं ना, पकड़िए। जीजाजी पैसे कम है क्या? नहीं। कोई बात नहीं, रोहन दे देगा। अमीर दोस्तों का कुछ तो फायदा उठाया जाए, है ना रोहन? ये तरकारी के जहर इतना तीखा कौन खाता है? इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? हमारा मुंह जल रहा है यहाँ पे और आप है कि खड़े होकर ज्ञान दे रही हैं। वो रोहन, उसके साथ नाचना गाना उसी का नतीजा है सब। ये दोस्ती वोस्ती सब छोड़ दो, और नहीं छोड़ सकती तो ये पढ़ाई छोड़ दो। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।